नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टुडे 24 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ कनिका यादव। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पे। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बीती रात से हो रही बारिश के चलते चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र तनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। शारदा के बड़े जल स्तर को देखते हुए बैराज प्रशासन ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। साथ ही बैराज से छोड़े जाने वाले पानी की जद में आने वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच जैसे जनपदों के जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए सूचित कर दिया है। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में बीती रात से हो रही भारी बारिश के चलते नेपाल सीमा से लगे तराई क्षेत्र तनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी उफान पर आ गई है। नदी के बड़े जल स्तर को देखते हुए शारदा बैराज प्रशासन ने बनबसा बैराज के 14 फाटक खोल दिए। साथ ही बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर बैराज पुल से होने वाले भारत नेपाल हेतु वाहनों के आवागमन को भी रोक दिया है। शारदा बैराज की देखरेख के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के SDO प्रशांत कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैराज से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच जिलों की तरफ 160,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया है। हालांकि सुबह से बारिश रुकने के कारण छोड़े जा रहे पानी की मात्रा भी घटकर 118,000 क्यूसेक हो गई है, परंतु अगर पहाड़ों पर पुनः बरसात शुरू हो जाती है तो नदी का जलस्तर फिर बढ़ सकता है। ऐसे में बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है एवं बैराज पुल से होने वाले वाहनों के आवागमन को भी रोक दिया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के डाउनस्ट्रीम जनपदों के जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने के लिए सूचित कर दिया गया है। इनका कैंटर पकड़ा गया है, सर क्या कहना चाहते हैं? कल हमें एक इंडियन ऑयल का एक टैंकर को ककराली गेट के समीप जांच के दौरान पकड़ा। उसकी जांच की तो उसमें हमको बिरोजा अरविंद से जुड़ा ड्राइवर से पूछताछ करी तो उसको कोई हमको अभियान के संबंध में कोई वैध कागजात दिखाने में असमर्थ रहा, तो गाड़ी को मैं उसको अपने कब्जे में लेकर के पूछताछ में जानकारी मिली कि जो ये दिशा उत्पाद इसमें लोड था वो पन्नोली एक दनिया के पास में है, जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, वहाँ से वो लेकर के बाया टनकपुर होते हुए हल्द्वानी जाने का उसने मुझे बताया। और इस जो ये माल इसमें उत्पाद दिशा उत्पाद जो बिरोजा और तारपीन है, ये इसकी कीमत लगभग 9,00,000 करीब हमारा अनुमान है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टुडे 24 न्यूज के साथ।